इसलिए हम कुछ नहीं सिर्फ खारिज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब तुरंत रुक जाइए। संतों के खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को बेनकाब करने के लिए पूरे देश में आप देखो संतों को जेल में डाल दिया जा रहा है, चार चार साल से जमानत नहीं मिल रहा है। 1 नवंबर 2017 से नोट कर लो और सरकार भी नोट कर ले, 1 नवंबर 2017 से संत महासभा द्वारा संत बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। किसी संत के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 1 नवंबर के पहले सरकार काने खोल कर सुन ले, हमारे संतों को अगर जेल से बाहर नहीं निकाल दिया गया तो 1 नवंबर से संत महासभा याचना नहीं करेगी, उसके बाद याचना नहीं रह होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। अब लड़ाई यार पार की होगी। इसी और याद रखना, कई बार आरोप लग जाए तो बापू के लोग हैं, ये तो इनके लोग हैं, अरे सब परमात्मा के लोग हैं और परमात्मा भी बापू के हैं, हम बापू के हैं, बापू हमारे हैं। ये छाट देखो कमजोर करने का एक तरीका होता है, किसी को कैसे गुट में बांट। मैंने नीलम जी से कहा कि नीलम देखो ऐसा है, नीलम ने कहा कि हमने कहा कि सबको भगवा पहनाओ टोपी। वो एक लड़का था, वो बदमाश है, उसने गलती कर दिया, टोपी का 5000 ऑर्डर दिया था उसने किया नहीं। हमसे बड़ी बड़ी एक तो आके बाबाओं के पास ये भक्ति ही फंसाते हैं, सच्चाई तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है।